भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव अभियान की शुरुआत की गई है। चंडीगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यालय कमलम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद किरण खेर ने अभियान को वर्चुअली लॉन्च किया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में उनके साथ नगर निगम चुनाव सह प्रभारी सांसद इंदु बाला गोस्वामी, मेयर रविकांत शर्मा, पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन, पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, महामंत्री रामवीर भट्टी, सचिव अमित राणा और प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन और गुरप्रीत सिंह ढिल्लो भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ को विशेष आशीर्वाद दिया है, हम सभी उनके ऋणी हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, स्थानीय भाजपा नेतृत्व, सांसद, मेयर और सभी पार्षदों ने चंडीगढ़ को विकास और सुशासन के मार्ग पर आगे ले जाने का काम किया है। ये विकास यात्रा चंडीगढ़ की जनता के अनवरत समर्थन के कारण ही संभव हो पाई है। बीते 6 साल में भाजपा ने चंडीगढ़ के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लोकतंत्र और विकास की इस मुहिम को जारी रखने के लिए भाजपा पूरे प्रदेश और शहर की जनता के पास जाकर इस प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। हमारा विजन है कि अगले 5 सालों में चंडीगढ़ को न केवल देश का नंबर एक शहर बनाए बल्कि इसे एक विश्व स्तर का शहर बनाए। इसी का रोड मैप बनाने के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा चंडीगढ़ का सबसे बड़ा जन भागीदारी अभियान मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव शुरू किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझको, हमको, बीजेपी को, चंडीगढ़ को अपने सुझाव दें कि आप किस तरह चंडीगढ़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ है जो आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन, ये आपके सुझाव बहुत बहुमूल्य होंगे हमारे लिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे जहां पर भी, जैसे अरुण जी ने बताया, जब मिस कॉल देकर या जहां पर सुझाव के डब्बे पड़े हैं हम डालने के लिए या वेबसाइट पर, आप लोग जरूर संपर्क करें ताकि शहर और बेहतरीन बने, सबसे खूबसूरत शहर बने पूरे देश में और दुनिया में, वर्ल्ड क्लास सिटीज में इसका नाम है। ये मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव, ये पूरे चंडीगढ़ में 6 जगह ये सुझाव पेटियां रखी गई हैं, जिसमें से सारे लोगों के सुझाव दिए जाएंगे, इसमें डाला जाएगा सुझाव के लिए। अगर जो भी इस सुझाव से जो आने वाले चुनाव में मैनिफेस्टिंग तैयार करा जाएगा बीजेपी के द्वारा, तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्या सभी लोगों को सुझाव है कि अपना अपना सुझाव डालें इस पेटी में, क्या हमें लोगों को पता चले क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रह गई हैं और करनी बाकी है। चंडीगढ़ मेरा सुझाव ये अपने तरह का एक अनोखा अभियान है, जिसे इस शहर में पहली बार किसी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। इसके जरिए ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम चंडीगढ़ की जनता से सीधा संवाद स्थापित करें। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंडीगढ़ में मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव एक मुहिम लॉन्च की है, जिसमें लोगों के सुझाव माने जाएंगे चुनाव को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद सतपाल जैन जी। जैन साहब, क्या कहना चाहेंगे जो ये जिस तरीके से मुहिम शुरू करी? ऐसा है, जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, हम क्योंकि सत्तारूढ़ में रह के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो पार्टी दो चीज़ें कर रही है। एक तो डॉक्यूमेंट आएगा कि हमने 5 साल में क्या क्या काम किए हैं, जो अलग से पब्लिश होगा, और दूसरा जो विजन डॉक्यूमेंट है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के क्या सुझाव हैं अपने इलाके के बारे में, जो पार्टी मामला टेकअप करे उनके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा और उसके लिए लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो आज उसकी शुरुआत हुई है, सारे शहर में लोग जा रहे हैं, लोगों से सुझाव मांग रहे हैं और सुझाव मांग के फिर तय करेंगे कि हमारा मैनिफेस्टो क्या हो। जिस तरीके से मनीमाजरा वासियों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कार्य नहीं किया, नाराज है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से, तो उसके बारे में क्या कहना है? पार्टी अभी जो कुछ किया है वो भी डॉक्यूमेंट लेकर आ रही है और जो कार्यकर्ता, हम सबके साथ बैठेंगे, सबसे बातचीत सुन के उसका समाधान निकालेंगे। तरीके से आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो कितना डर है इससे? कोई दिक्कत नहीं, मैदान में तो होता ही हमेशा, बिना मैदान में दूसरी पार्टी के होने के तो चुनाव का मजा भी नहीं आता। मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे। देख सकते थे, ये थे पूर्व सांसद सतपाल जैन, जिनका कहना था कि आज से जो है मनीमाजरा से इसकी शुरुआत की गई है। और हमारे साथ यहाँ पे पूर्व डिप्टी मेयर और एवं काउंसलर विनोद अग्रवाल जी मौजूद हैं। अग्रवाल जी, क्या कहना? आज भारतीय जनता पार्टी ने जनता से सुझाव मांगे हैं कि चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए आपके क्या सुझाव हैं, हम अपने घोषणा पत्र में उनको शामिल कर सकें। बहुत से लोगों के सुझाव आए हैं
और जो भी सुझाव होंगे जो जनता के हित के होंगे सबको हम शामिल करेंगे। जनता के सुझाव लेकर हम जनता में जाएंगे और जनता अपनी सुझाव के द्वारा जो भी सुझाव हमें देगी हम पूरे उनको करवाने का प्रयत्न करेंगे। और आने वाले समय एक बात मैं बता दूं, पिछली बार जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे, जितने हमने वादे किए थे सारे वादे हमने निभाए हैं। मनी माजरा वार्ड 25 और 26 में विकास की वो लहर है, जो विकास हमने करवाया है पिछले 15 साल के कांग्रेस के नगर निगम ने बिल्कुल ही अनदेखी की थी इस एरिया की, इस क्षेत्र को अनदेखी उन्होंने की थी। हमने 5 साल के अंदर मनी माजरा की जनता वार्ड और 25 में सारे के सारे काम करवाए, और अगर कोई काम अधूरे रह गए हो जनता के जो सुझाव आएंगे उनके हिसाब से हम खुद भी देख रहे हैं भी क्या क्या काम और होने चाहिए थे, हम उनको सारे कामों को पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, कितनी बड़ी टक्कर मानते हैं? आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, जो लोगों को जो कांग्रेस से रुष्ट हैं, जिनको लगा भी हमारे को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी, वो आम आदमी पार्टी में भाग रहे हैं। कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी जीरो है। हमारे साथ इस एरिया के काउंसलर जगतार सिंह जग्गा जी भी मौजूद हैं, जो कि जग्गा जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मुहिम शुरू की गई है? यह एक ऐसी मुहिम स्टार्ट की है जिसमें कि जनता की भागीदारी से ही जो हमारा संकल्प पत्र होता है वो जनता की साझेदारी से बने। एक बहुत अच्छी शुरुआत है राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि जो हर एरिया का चंडीगढ़ में हर वार्ड का अपना अलग अलग माहौल है, अलग अलग दिक्कतें मुश्किलें हैं, उनको देखते हुए हर एरिया वाइज जैसा मनी माजरा में किस चीज़ की जरूरत है, मोड़ी जगरा में किस चीज़ की जरूरत है या सेक्टर 17 में किस चीज़ की जरूरत है, उनको देख के जो लोकल लोग सुझाव देंगे उनके ऊपर ही हमारा अगला नगर निगम इलेक्शन लड़ा जाएगा। जैसे कि मनी माजरा में तो हमारे बहुत से काम हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या जो हम जड़ से खत्म करना चाह रहे हैं वो है पार्किंग की। हमने मनी माजरा में अपना मल्टी स्टोरी पार्किंग जो एक हमारी पीपीपी मोडवे बनने जा रही है उसी की तर्ज पर मैं चाहूँगा कि एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स के लाग साथ के एरिया में एक और कहीं भी जहाँ नगर निगम की जमीन हो, कोशिश करूँगा कि कम से कम 3 ऐसी मल्टी स्टोरी पार्किंग मनी माजरे में हो, जिससे कि जो आए दिन है आज के टाइम पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग के पीछे पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई हो रही है, ये सारा झंझट खत्म हो। क्योंकि जैसे हमारे अंडर ब्रिज बनने से एक जाम की समस्या का हल हुआ है, वैसे ही 24/7 पानी जो मनी माजरे को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मिला है उसे पानी हमेशा हमारे को स्वच्छ और साफ पानी मिलेगा, इससे भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और तीसरा पार्किंग की एक समस्या रह गई है जिसका हल भी हम आने वाले दिनों में करेंगे। जिस तरीके से आपके विपक्ष द्वारा एक सवाल किया गया है कि आपके जो मैनिफेस्टो में जो आपने लोगों से वादे किए थे वो काफ़ी हद तक पूरे नहीं हुए हैं, तो उसको लेकर क्या कहना? नहीं, हमारे तो ज़्यादातर सबसे बड़ा वादा था साफ पानी देने का, जो मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा कर दिया है। और दूसरा, गलियों का काम हमारे लग चुके हैं और एलईडी लाइट हर गली के अंदर लग चुकी है, और मेरे को नहीं लगता कि कोई बैलेंस काम हमारा बचा है। जो वादे नहीं भी किए थे, जैसे कि यहाँ पर 7 लगती जगह में हमने मल्टी स्टोरी जो है कार पार्किंग का भी प्रोजेक्ट पास कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में भी विपक्ष का काम होता है काम के रोकना, काम को गलत बताना, लेकिन हमारा मानना है कि हमने लोगों को जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करने के बाद ही जनता के बीच में जाएंगे और जा रहे हैं। थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं अपना सुझाव इस बॉक्स में डालेंगे, कैसे बताएं थोड़ा सा कैसे क्या इसमें होगा? कोई भी अपना सुझाव, जैसे कि हम इसमें मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव करके हमने एक इसमें नोटिंग दी है, इसके साथ ही कोई भी एरिया के अंदर जो समस्या है, मान के चलो हमारे गाँव में जो NOC की समस्या है, आने वाले दिनों में और गांव भी नगर निगम में शामिल हो गए हैं, और ऐसे ही एक और समस्या है कि 34 फुट से 45 फुट हाइट करना जो हमने अपने नगर निगम में पास भी कर दिया है, कि आने वाले दिनों में ऐसी जो समस्या है कि 5 मरले तक का जो मकान है उसके ऊपर NOC की जरूरत ना हो, बिना NOC के ही बिजली पानी और सीवरेज की सुविधा लोगों को मिले। ये सुझाव है ये इसके अंदर बॉक्स के अंदर डाल के फिर ये पार्टी ऑफिस जाएंगे और चंडीगढ़ के हर जगह पे जाएंगे। बिल्कुल, ये हमारे चंडीगढ़ में लगभग 200 ऐसे सुझाव की पेटियां रखी गई हैं अलग अलग जगह पर, और उनसे लोग अपने सुझाव डालेंगे और उनके सुझाव के ऊपर ही हम अगला मैनिफेस्टो जारी करेंगे।
सकते थे ये तस्वीरें मनीमाजा से आपको दिखा रहे थे जहां चंडीगढ़ भाजपा द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव। इसमें लोग अपने सुझाव डालेंगे और इस बॉक्स के अंदर जाके पार्टी ऑफिस जाएंगे और जो लोगों को कमियां हैं जो पार्टी की कमियां हैं और जो लोगों के सुझाव आएंगे उस पर पार्टी कार्य करेगी। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।